राजनीति में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को मामला सौंप दिया। गुरुवार तक इसकी बड़ी बेंच का गठन भी किया गया। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। इसके अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच झगड़ा भी है। इन सभी मामलों को अब 5 जजों की पीठ देख रही है। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई भी एक्शन नहीं लेने के आदेश दिए हैं। सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। ठाकरे ने कहा था कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे ने दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए थे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। साथ ही निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई भी आदेश पारित नहीं करने का निर्देश भी दिया था, जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मामले में संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और पीठ शुरुआत में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से संबंधित चुनाव चिन्ह के संबंध में फैसला करेगी।